और इसके लिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपना डायरी और पेन साथ में ले लिया है और मेरी आवाज और अगर मेरा स्क्रीन आपको क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा है फ्रेंड तो एक बार आप जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए ताकि आपके परमिशन के साथ मैं आज के सेशन की शुरुआत कर सकूं। डू यू हियर मी यस ग्रेट थैंक यू थैंक यू सो मच तो देखिए फ्रेंड आपने डायरी पेन भी ले लिया है सेशन का हम टाइमिंग भी हो गया है शुरुआत भी कर लेते हैं और यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पहले आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है फ्रेंड तो देखिए मैंने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अगर कोई इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं तो उसका आपके ट्रेडिंग के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री में पूरे वर्ल्ड में फ्रेंड कोई ज्योग्राफिकल चेंजेस होते हैं ज्योग्राफिकल चेंजेस का मतलब होता है कहीं बाढ़ आ जाना कहीं भूकंप आ जाना कहा ज्वालामुखी आ जाना फुट जाना तो ये जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इन्हें हम ज्योग्राफिकल चेंजेस कहते हैं और इसका भी उस देश की करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है या कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाना जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है फ्रेंड दो देशों के बीच में वॉर हो जाना जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में या फिर इसराइल और हमास के बीच की जो लड़ाई आपने देखी फ्रेंड ये जियोपॉलिटिकल है इसका भी वर्ल्ड की करेंसीज के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है या फिर पॉलिटिकल कोई इवेंट्स होना जैसे इलेक्शन होना सरकारें बदल जाना इसका भी करेंसी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है तो देखिए अभी ना आपको दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है फ्रेंड नंबर वन जब भी ट्रेडर ट्रेड करने के लिए लाइव स्क्रीन पर बैठता है तो ट्रेडर के सामने दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं पहला सवाल क्या मुझे बाय की ट्रेड लेनी चाहिए या मुझे सेल की ट्रेड लेनी चाहिए तो पहले तो इस सवाल का जवाब उसे एनालिसिस द्वारा ढूंढना पड़ता है और दूसरा यह सवाल होता है कि अगर मुझे पता भी चल जाए कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा तो मेरा दूसरा पॉइंट ये कि मुझे एग्जैक्टली exactly एंट्री कहां लेनी है और ट्रेड से एग्जिट कहां करता है ये दो सवाल अगर किसी भी ट्रेडर को अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं फ्रेंड तो वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फाइव परसेंट सक्सेसफुल ट्रेडर में अपने आप को ला सकता है तो देखिए आपका जो पहला सवाल है कि ट्रेडर बुलिश मतलब मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा तो ये डिपेंड करता है फ्रेंड जिस करेंसी कमोडिटी स्टॉक्स जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो उसके फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि वो प्राइस बुलिश जाएगी या बेरिश जाएगी और जो एंट्री एग्जिट वाला सवाल है फ्रेंड ये आपके टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करता है तो आपने देखा पिछले कई दिनों से हमने कैंडल्स को रीड किया वो आपका टेक्निकल एनालिसिस है आपने प्राइजेक्शन देखे फ्रेंड आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस डिमांड सप्लाई देखा इंडिकेटर देखा ये सारे आपके टेक्निकल एनालिसिस है जो आपको ये बताने में मदद करते हैं कि मार्केट बुलिश होगा बेरिश होगा और एंट्री और एग्जिट करना है बट टू बी वेरी फ्रेंड एक बात समझिएगा कि इस मार्केट में बेहतर प्रॉफिट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत डीप में सीखना चाहिए तो आज मैं आपको फंडामेंटल की क्लासेस शुरू कर रहा हूं और यहां से नेक्स्ट थ्री या फोर सेशन जो होंगे फ्रेंड हमारे वो फंडामेंटल पे होने वाले हैं। और मैं आपको बहुत अच्छी-अच्छी पे ट्रेवल करवाऊंगा आपको ट्रेडिंग करने के लिए हर वेबसाइट के कुछ इंपॉर्टेंट तो देखिए सबसे पहले सवाल ये आता है कि अगर हमें फंडामेंटल समझना है तो क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक वेबसाइट है जिसपे जाकर हम इस पूरे फंडामेंटलिस को सीख सकते हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं फ्रेंड वैसे तो फंडामेंटल के लिए बहुत सारी वेबसाइट है लेकिन मैं आप, आप वर्ल्ड वाइड जो फाइव वेबसाइट आप वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस के नाम आप नोट कर लीजिएगा ओके okay? तो अभी हम लिखने जा रहे फ्रेंड वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं तो अगर आप बिगनर फ्रेंड तो पहली वेबसाइट का नाम लिखिएगा बेबी पिप्स डॉट कॉम पहली वेबसाइट है जो कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है फ्रेंड फिर आप नोट डाउन कीजिए investing.com डॉट कॉम फिर आप नोट करेंगे फ्रेंड एफ एक्स स्ट्रीट Dot com the fourth one the fourth one my FX book.com and the fifth one is Forex Factory ये पांच वेबसाइट्स है फ्रेंड जिनके एप्लीकेशंस भी है मोबाइल एप्लीकेशंस भी है और आप इसे पीसी या लैपटॉप पे सीधा भी ओपन कर सकते हैं गूगल पे जाके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट है फ्रेंड जैसे आप इसमें एक नाम और एड कर लीजिए ये नाम है जो आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा फास्ट बुल डॉट अब आप सोचेंगे कि सर फंडामेंटल एनालिसिस क्या एक वेबसाइट से कंप्लीट नहीं किया जा सकता क्या तो मेरा जवाब नहीं आप किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर फंडामेंटल को डिपेंड नहीं कर सकते फ्रेंड क्योंकि हर वेबसाइट की अपनी कुछ ना कुछ अलग अलग एक्सपर्टीज है तो अभी जो आप ये वेबसाइट्स के नाम देख रहे हो फ्रेंड ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट वेबसाइट्स है और खास करके फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ये सबसे बेस्ट वेबसाइट माने जाते हैं इनमें जो पहली वेबसाइट है बेबी ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी फॉरेक्स में बिल्कुल एक महीना दो महीना हुआ है फ्रेंड ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वेबसाइट है मैं आपको इसके अंदर विजिट करके दिखाऊंगा उसके बाद हम चलेंगे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे फिर हम जाएंगे फ्रेंड एफ एक्स स्ट्रीट डॉट कॉम पे फिर हम ट्रैवल करेंगे माई एफ एक्स बुक डॉट कॉम देन हम जाएंगे फास्टबुल डॉट कॉम और फिर हम जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट कॉम तो अभी आपको क्या करना है आपको मेरे साथ डायरी पेन लेके बने रहना है फ्रेंड आज हम इन वेबसाइट का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और मैं आपको जब इस वेबसाइट में ले जाऊंगा तो मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स में आपको ले जाऊंगा और वो सेगमेंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं क्योंकि देखिए फ्रेंड एक वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें होती है और आपको ना हर जगह जाने की जरूरत नहीं है जो इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड केवल उतने ही जोन पे हम अपने आप को लेकर जाएंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है फ्रेंड और यहाँ पे टाइप करना है बेबी पिप्स डॉट कॉम जैसे ही आप इसे गूगल पे सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी और मैं आपको बता दूं फ्रेंड जो आप में से नए लोग हैं वो पहले शुरुआत ही इस बेबी पिप्स डॉट कॉम से करेंगे अब जब हम यहाँ पे जाते हैं फ्रेंड तो यहाँ देखिए ऊपर आपको एक एनालिसिस का कॉलम दिख रहा है और इसके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ दिख रहा है तो ये पेड कॉलम है फ्रेंड इसके बाद न्यूज़ लिखा हुआ है ट्रेडिंग लिखा है लर्न फॉरेक्स यहाँ पे लिखा है देखिए लर्न फॉरेक्स एंड लर्न क्रिप्टो तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं या आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं या आप दोनों में ट्रेड करना चाहते हैं फ्रेंड या लर्न क्रिप्टो जब आप फॉरेक्स पे ट्रेड मतलब क्लिक कर दोगे तो यहां देखिए सबसे पहले आ जाएगा हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स जैसे आप में से बहुत सारे लोग सेशन को कभी अटेंड कर पाते कभी नहीं कर पाते फ्रेंड टाइम मिलता नहीं मिलता तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट कोर्स के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे यहाँ पे खुल जाएंगे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैंने जैसे इसे क्लिक किया फ्रेंड यहाँ पे आ गया स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक पूरा स्कूल है और यहाँ पे लिखा है यू आर न्यू टू ट्रेडिंग फॉर एक्स द स्कूल ऑफ इप्सोलॉजी इज अवर फ्री ऑनलाइन दैट हेल्प टू लर्न हाउ टू ट्रेड फॉर तो ये नए लोगों के लिए बहुत अच्छा सेगमेंट है फ्रेंड इसके नीचे लिखा है ट्रैक योर प्रोग्रेस अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि वो वो बेसिक सब कुछ जानता है, जा है? वो ये ट्रैक योर प्रोग्रेस वाले कॉलम में जरूर जाएं और अनलॉक ट्रेडिंग का ऑप्शन ओपन करके साइन इन करना है आपको जब आप इसे ओपन करोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर आपको मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन के सामने आपको तीन आंसर मिलेंगे आपको रैंडम दिमाग लगाकर वो आंसर सेलेक्ट करना है और फिर ये वेबसाइट आपको मार्क्स देगी आउट ऑफ 362 जिससे आपको ये पता चलेगा कि अभी आप फॉरेक्स की कितनी नॉलेज रखते हैं और अभी आपको कितना और सीखना बाकी है तो जब आप गेट स्टार्टेड कर दोगे फ्रेंड तो आप स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी में एंटर कर जाओगे और फॉरेक्स से रिलेटेड जितना भी बेसिक नॉलेज आपको मिलना है फ्रेंड वो सब स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी में मिल जाएगा और जब आप यहां से सीख लोगे तो ट्रैक योर प्रोग्रेस में जाके आप यहाँ पे अपना एग्जाम दे देना है आपको एग्जाम मतलब कोई ले नहीं रहा फ्रेंड बट आप अपने आप को बैक ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कितना नॉलेज है तो ये आपने देखा एक तो स्कूल ऑफ क्रिप्टो और क्रिप्टो तो क्विज नाम से यहां पर आपको वही चीजें मिल जाएगी तो पहले स्कूल ऑफ क्रिप्टो में जाकर आप इसे कोर्सेस को समझ लीजिए स्टडी कर लीजिए और फिर नीचे जाके इन क्विज का आप रिप्लाई भी कर सकते हैं ठीक है क्रिप्टो के बारे में आपको एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लोरेशन चाहिए फ्रेंड तो यहाँ पे एक्सप्लोर करके भी एक कॉलम है आप यहाँ पे जाके क्रिप्टो के बारे में मच मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं तो देखिए फ्रेंड ये जो वेबसाइट है बेबी पिप्स इट इज स्पेशली फॉर लर्निंग ये सिर्फ लर्निंग के लिए आपको इस्तेमाल करना है और इनमें जो बहुत सारे कॉलम है ना इनमें कहीं भी आपको नहीं जाना है क्योंकि एनालिस न्यूज इकोनॉमिक कैलेंडर ये बहुत ज्यादा अच्छी है तो बेबी बेस्ट डॉट कॉम में लर्न फॉरिक्स एंड लर्न क्रिप्टो केवल सेगमेंट पे आपको अपने आप को ले जाना है एंड आई होप डाउन कर लिया होगा ओके okay? अब चलते हैं फ्रेंड कि नेक्स्ट वेबसाइट कौन सी है और उस पर हमें क्या सीखने को मिल सकता है तो नेक्स्ट वेबसाइट आपको ओपन करनी है फ्रेंड जिसे कहते हैं investing.com मैं डॉट कॉम आज आपको केवल इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ फ्रेंड फिर हम इसके अंदर और भी डीप फंडामेंटल की स्टडी करेंगे आगे चल के ओके तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया अब आप देखोगे तो इन्वेस्टिंग ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं और मैं आपको जो ऑप्शंस में ले जाऊंगा आप उनको नोट डाउन कर लीजिए इन्वेस्टिंग डॉट कॉम की वो सबसे बेस्ट चीजें है और आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ये इसके अंदर जाकर मार्केट को समझना पड़ेगा जैसे यहां पे पहला ऑप्शन है मार्केट यू कैन सी इट पहला ऑप्शन है मार्केट तो मार्केट में आप इंडाइसिस पे ट्रेड कर रहे हो स्टॉक्स पे कर रहे हो कमोडिटी है करेंसीज है क्रिप्टो करेंसीज है करेंसीज है ए है तो जिस पे भी, भी आप ट्रेड करते हो फॉर एग्जाम्पल आप क्रिप्टो पे ट्रेड करते हो फ्रेंड तो आप क्रिप्टो पे जाए और यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो पेयर जिन पेयर के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर आप फॉरेक्स के ट्रेडर हैं फ्रेंड तो करेंसी में चले जाएं और यहाँ पे बहुत सारे करेंसी के पेयर मिल जाएंगे आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे यूरो को क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने जब यहाँ पे यूरो यूएसडी क्लिक किया फ्रेंड तो मुझे यहाँ पे देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यूरो यूएसडी का प्रेजेंट रेट क्या है ये यूरो यूनिवर्सिटी का यहां पे चार्ट आ गया नीचे की तरफ और अगर आप यहां को देखें फ्रेंड सपोर्ट रेसिस्टेंस देखते हैं इंडिकेटर्स देखते हैं तो यहां पे ना ये आपको मीटर दिखाई दे रहा है टेक्निकल मीटर है फ्रेंड ये और ये टेक्निकल मीटर में वो सारे चीजों का एक कंक्लूजन uh, रखा होता है सारी चीजों का यहाँ पे कंक्लूजन मिल जाएगा तो देखिए यहां पे ना टेक्निकल एनालिसिस में यहां पे नीचे डेली का टाइम जब हमने क्लिक किया तो आपको यूरो क्या दिख रहा है स्ट्रॉन्ग सेल वाले ऑप्शन में दिख रहा है यानी कि इसकी सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अगर हम वीकली पे क्लिक करते हैं फ्रेंड जैसे यहां से आप देखिए ऊपर भी ऑप्शन दिया है वन डे वन वीक वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ तो ये जो ऑप्शन है ना फ्रेंड ये आपको बताते हैं कि मार्केट की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकती है और नीचे की तरफ अगर आप आ जाए तो यूरो यूएसडी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज और एनालिसिस के बहुत सारे कॉलम्स आपको मिल जाएंगे हम धीरे धीरे इनको एंटर भी करेंगे फ्रेंड इनको सीखेंगे भी आज हम एक गो थ्रू कर रहे हैं एक नजर मारने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे किस तरीके से इन वेबसाइट्स को फॉलो करना होगा तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैंने आपको यूरो यूनिवर्सिटी का दिखा दिया ठीक है तो इन्वेस्टिंग uh, का ये जो मार्केट का पेज है फ्रेंड इनमें आप कमोडिटी क्रिप्टो करेंसी जिसपे ट्रेड करते हैं उसमें आप इंटरनल जाकर इसकी स्टडी कर सकते हैं अब मैं आपको दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ले जाता हूं फ्रेंड और वो है यहाँ पे एनालिसिस का कॉलम एनालिसिस में जब आप जाओगे तो फिर यहाँ पे अगेन देखो करेंसी आ गया कमोडिटी आ गया क्रिप्टो करेंसी आ गया सारी चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉरिक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने करेंसी पे क्लिक कर देना है और आप जिस करेंसी की एनालिसिस देखना चाहते हैं फ्रेंड वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लाइक यूएसडी जेपीवाई यूरो यूएसडी ठीक है ये सारे जीबीपी एनजेडी एयूडी यूएसडी है ना जैपेज यू एस डी जेपी वाई तो आप जिसके बारे में भी स्टडी करना चाहते हैं या आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे जरूर जाए प्रोफेशनल ट्रेडर और जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स होते हैं उन लोगों के ब्लॉग्स और उन लोगों की एनालिसिस यहाँ पे दी होती है तो इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है वो है एनालिसिस का फिर हम चलते हैं फ्रेंड एक तीसरा और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट कॉलम है और वो यहाँ पे फ्रेंड आपको मिल रहा है माय वॉच लिस्ट का मैं आपको इसके अंदर अभी ले जाऊंगा फ्रेंड और हम इससे बहुत डीप में समझेंगे कि माय वॉच लिस्ट एग्जैक्टली क्या होती है तो जब आप माय वॉच लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक पर्सनल पेज है आपका खुद का अपना एक पर्सनल पेज है और आपको क्या करना पड़ेगा पहले यहाँ पे जाके साइन इन करना पड़ेगा फ्रेंड अपने मेल आई से जब आप साइन इन करोगे अपने मेल आई से तो ये आपको आपकी वॉच लिस्ट यहाँ पे बना देगा अब ये देखो यहाँ लिखा है माई वॉच लिस्ट इसमें क्या होता है थोड़ा सा हम इसे डीप में समझने की कोशिश करते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया फ्रेंड देखो एड सिंबल का एक कॉलम दिख रहा है आपको पहले अपने वॉच लिस्ट में वो करेंसी और कमोडिटी या क्रिप्टो जिस पे भी आप ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें यहां से जाकर अपने वॉच लिस्ट में एड कर लेना है फॉर एग्जाम्पल मुझे बी मुझे बी यूएसडी को अपने लिस्ट में लेना है तो मैंने यहां सर्च किया बीटीसी यूएसडी और मैंने इसे क्लिक किया फ्रेंड तो ये मेरे वॉच लिस्ट में आप देखोगे BTC यूएसडी यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये देखिए सबसे ऊपर आ गया BTC यूएसडी तो आप जिस भी करेंसी या कमोडिटी पे ट्रेड करते हो आपको यहां से जाकर फ्रेंड उसे अपने इस वॉच लिस्ट में ऐड करना है आइए अब समझते हैं कि ये वॉच लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और इस

मार्केट का हाई क्या गया था मार्केट का लो क्या गया था और मार्केट में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चेंजेस चल रहे हैं ये सब आपको मिल जाएगा लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड यहाँ पे आपको ये सारी चीजें नहीं देखनी है आपको देखना क्या है फ्रेंड आपको देखना है ये वाला कॉलम जो इंपॉर्टेंट है परसेंटेज चेंज वाला कॉलम ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ पे अब यहाँ पे गौर ध्यान देना है आपको कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड देखिए आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में पहला सवाल ये होता होगा कि मैं कौन सी करेंसी पे ट्रेड करूं या कौन से क्रिप्टो पे ट्रेड करूं ये पहला सवाल होगा आप एक चार्ट खोलते हैं दो चार्ट खोलते हैं तीन चार्ट खोलते हैं आपको समझ नहीं आ रहा कि कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है ट्रेड नहीं मिलती है तो हमें ना कंफ्यूजन होता है फ्रेंड और हम क्या करते हैं ऐसे गलत चार्ट उठा लेते हैं या गलत मार्केट में हाथ डाल देते हैं जहां पे ट्रेड बनती नहीं थी और हमें क्योंकि ट्रेड लेनी थी और हम वहां पे ट्रेड ले लेते हैं तो मैं आपको इसका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ फ्रेंड देखिए जब हम ट्रेडिंग में जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा क्रिप्टो से आएगा वो करेंसी से आएगा वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर से आएगा या जैपेज यान से आएगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं हमें लेना देना है कि हम वो ट्रेड करें जहां पे मार्केट ट्रेंडिंग हो और जहां पे ट्रेड आइडेंटिफाई कर सके और हमें प्रॉफिट मिले तो ये जो परसेंटेज चेंज का कॉलम है फ्रेंड यहां पे आप रेड और ग्रीन कलर में पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ परसेंटेज आप यहां पे देख रहे हो अब ये जो परसेंटेज है फ्रेंड पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बीटीसी यूएसडी को ले लो ये आपको माइनस वन पॉइंट फिफ्टी फोर परसेंट दिखाई दे रहा है तो आप अपने डायरी पे नोट कीजिए फ्रेंड अगर आपको माइनस कर रहा हूं आप लिख सकते हैं मेरे पास लिखने का राइट नहीं है यहां पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर आपको माइनस जीरो पॉइंट फाइव जीरो परसेंट और इससे ऊपर नेगेटिव फिगर नजर आती है या फिर प्लस जीरो पॉइंट फाइव जीरो परसेंट प्लस में और इससे ऊपर की अगर परसेंटेज नजर आती है फ्रेंड तो ये इसका मतलब होता है ये ट्रेंडिंग मार्केट है ऊपर जो भी एसेट है फ्रेंड वो इस वक्त बहुत ज्यादा नेगेटिव है और प्लस जीरो पॉइंट फिफ्टी से ऊपर जो भी एसेट है वो इस वक्त बहुत ज्यादा पॉजिटिव है एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि यहां पे देखो BTC आपको माइनस जीरो पॉइंट फिफ्टी से भी थ्री टाइम्स ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है मैंने तो आपको जीरो पॉइंट फिफ्टी का बट ये माइनस वन पॉइंट फिफ्टी फाइव परसेंट है अगर आप BTC USD का चार्ट खोले तो आप देखोगे फ्रेंड कि ये मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश होगा एक सेकेंड दीजिएगा मैं यहां पे थर्टी मिनट्स का चार्ट ओपन कर लेता हूं और आप ये देखिए फिर मार्केट क्या दिखाई दे रहा है आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने वॉच लिस्ट में BTC को देखने गए तो हमें पता चल गया कि सी डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ सेलिंग की ट्रेड करेंगे फ्रेंड तो देखो ये इन्वेस्टिंग डॉट कॉम की वॉचलिस्ट से आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और वो प्रॉब्लम क्या था कि कौन से एसेट पे ट्रेड करूं और कौन से डायरेक्शन में मार्केट होगा तो देखो एसेट मिल गया बीटीसी यूएसडी और डायरेक्शन मिल गया बीअरिश अब आपके सामने ना फंडामेंटल क्लियर हो गया है कितने शॉर्ट में मैंने आपको फंडामेंटल क्लियर किया हालांकि अभी तीन चार दिन का पूरा सेशन है ये बट आपको मैं बहुत बेसिक और पॉइंट टू तो बात करके बता रहा हूं कि बीटीसी यूएसडी बियरिश रहेगा ये फंडामेंटल है अब दूसरी चीज ध्यान रखना फ्रेंड आपको ना बीटीसी यूएसडी में ट्रेड सेलिंग की ही लेनी है अब मैंने आपको टेक्निकल तो सिखाई दिए थे कि सेलिंग कहां से लेते हैं सेलिंग सप्लाई जोन से लेंगे रेजिस्टेंस लेवल से लेंगे या फिर आप आर एस आई के डाइवर्जेंस देखो बीएरिश डाइवर्जेंस है तो सेलिंग करो या फिर मैंने आपको प्राइस एक्शन तो वो अलग चीज है टेक्निकल अब आपको एंट्री कहाँ करना है वो टेक्निकल पर डिपेंड है बट फंडामेंटल बीटीसी का यहाँ पे क्लियर है अब आप आ जाते फ्रेंड कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में और कौन सी करेंसी आ रही है तो देखो यहाँ पॉजिटिव में आ रही है 0.88 परसेंट और ये है एक्स ए यूएसडी यानी कि सिल्वर ये सिल्वर है और ये पॉजिटिव है फ्रेंड तो एक बार हम चार्ट पे चलते हैं और टाइप करते हैं एक्स ए जी यूएसडी आपका सिल्वर और वहां पे क्या दिखाया जा रहा है पॉजिटिव दिखाया जा रहा है और सिल्वर क्या है फ्रेंड ये आधे घंटे का चार्ट है हायर हाई हायर लो और अब इसमें बाइक की ट्रेड बनने के चांसेस बन रहे हैं मैंने क्या बताया था अगर मार्केट बुलिश होगा तो ऑलवेज लुक फॉर बाय एंट्री आपको ये बताया था और अगर आप इसमें मूविंग एवरेज लगा दो या फिर अब आपको सिल्वर में यहां से बाय की ट्रेंड मिलेगी क्योंकि मार्केट ट्रेंड का है ऐसे ही फ्रेंड अगर आप यहां पे और भी कुछ को चेक करें तो जो 50 के नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये थोड़ा सा कम ट्रेंडिंग होते हैं और 50 के ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग में है जैसे मुझे यहाँ पे एयूडी जेपीवाई दिखाई दे रहा है एयूडी तो जेपीवाई तो देख लेते हैं एयू डी जेपीवाई में कोई बाइक की ट्रेड मिलती है क्या या मार्केट बुलिश चल रहा है क्या तो आप देखिए फ्रेंड यहाँ पे एयूडी जेपीवाई या आधे घंटे का चार्ट है और बिल्कुल एक बुलिश मोमेंटम में ये बना हुआ है तो ये जो friend, बहुत नहीं है फ्रेंड इसमें अपने मेल आईडी से फिर वह आपके मेल आईडी से आपका वहां पे नाम रजिस्टर्ड करना है ये फ्री पेज होता है आपके लिए ये पेज आपके अलावा कोई भी नहीं देख सकता ये आपका पर्सनल पेज बन जाएगा इसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं और यहाँ पे जाके आप एड सिंबॉल में जो भी एसेट पे आप ट्रेड करना चाहते हो उसे यहां पे लो। और फिर आपको ना बहुत सारे चार्ट पे चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मार्केट ट्रेंडिंग है कौन सा मार्केट नेगेटिव परसेंटेज में है डायरेक्टली आप उस एसेट पे जाओ और फिर वहां पे टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर दो क्योंकि फंडामेंटल आपने यहां पे चेक कर लिया तो क्या मुझे आप जल्दी से चैटबॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड कि ये इन्वेस्टिंग डॉट कॉम का माय वॉच लिस्ट वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ या या डायरेक्शन देखने में इज इट हेल्पफुल किसी का कोई सवाल रहेगा तो एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको सवाल पूछने का मौका जरूर दूंगा तो इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में हमने क्या क्या देखा फ्रेंड मार्केट देखा माई वॉचलिस्ट देखा और एनालिसिस कॉलम हमने यहां पर अब इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम जाता है टेक्निकल में आपको टेक्निकल है तो हो सकते हो बट मैं बेसिकली इससे फॉलो मैं बेसिकली इससे फॉलो नहीं करता ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इंटरेस्टिंग डॉट कॉम के बारे में मैं कहूंगा ये तीन कॉलम आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है अब थोड़ा आगे चलते हैं फ्रेंड और नेक्स्ट वेबसाइट पे मैं ले जाता हूं जो है एफ ठीक है आज हम इंट्रो करेंगे फ्रेंड फिर हम आके इसमें डीप स्टडी करेंगे तो मैंने गूगल पे सर्च बॉक्स में डाला एफ और मैं पहुंच गया यहाँ पे एफ की वेबसाइट पे अब देखते हैं फ्रेंड कि यहां पे ना कौन से ऐसे कॉलम है जो एज अ फॉरेक्स ट्रेडर या एज अ क्रिप्टो ट्रेडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आ जाते हैं रेट्स एंड चार्ट का पहला कॉलम आपको दिख रहा है जब आप इसे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो लाइव लाइव चार्ट चार्ट पे एक ऑप्शन ऑप्शन है है का का फिर फोरकास्ट पोल और ऑप्शन है रेट टेबल का का तो ये क्या होता है फ्रेंड लाइव चार्ट मतलब जो ट्रेडिंग व्यू पे आपको चार्ट मिलता है लाइव चार्ट वैसा चार्ट यहाँ पे मिल जाएगा फोरकास्ट पोल का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड के बायर और सेलर कौन से करेंसी में किस डायरेक्शन में बैठे हैं या किस डायरेक्शन में मार्केट का मोमेंट देखना चाहते हैं और रेट टेबल का मतलब होता है हर करेंसी के अपने इंटरेस्ट रेट होते हैं जैसे अगर आप इंडिया से फ्रेंड तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट लोन का क्या है वो यहां से आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में मैं आपको और आगे समझाऊंगा अभी आ जाते हैं एफ एक्स स्ट्रीट के रेट एंड चार्ट का कॉलम में आपको जाना है और यहाँ पे जो फोरकास्ट पोल आप देख रहे हो फ्रेंड ये ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये दूसरा बहुत हेल्पफुल सेगमेंट uh, है फ्रेंड, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा किसी भी डायरेक्शन को वर्ल्डवाइड ट्रेडर क्या कर रहे हैं ये समझने के लिए जैसे नीचे आ जाते हैं फ्रेंड यहां पे देखिए आपको मेजर करेंसीज दिखाई दे रही यूएसडी यूरो यूएसडी का वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से फ्रेंड ट्रेडर्स का ये मानना है कि यूरो यूएसडी अभी बियरिश रहेगा मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यानी कि अगले एक महीने के दौर में ये जो मिलेगा आपको साइडवेज मिलेगा और वन क्वार्टर यानी कि अगले तीन महीने में भी यूरो यूएसडी का जो फोरकास्ट है वो बियरिश ही है तो देखिए अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी समझना आप में से मान लो किसी ने यूरो यूएसडी की ट्रेड की और आपने ट्रेड बुलिश कर ली फ्रेंड और आपकी ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर रही है तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप वर्ल्ड के ट्रेडर के साथ नहीं नहीं है क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रेडर यहां पर बियरिशन बता रहे हैं और आप बाय साइड में ट्रेड कर रहे हो तो ये थोड़ी सी गलत ट्रेड हो जाएगी जैसे यहां पे मैंने कर्सर लाया फ्रेंड आप देखिए बुलिश रेटिंग करने वाले सेवनटीन परसेंट है और बियरिश रेटिंग करने वाले सिक्सटी सेवन परसेंट है साइडवेज रेटिंग में

इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे कुछ करेंसीज कमोडिटीज uh, के ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आप इनकी एनालिसिस देखना चाहते हो तो आप वो भी एनालिसिस यहाँ से के देख सकते हो जैसे मैंने यहां डुवाइड जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या फिर इकोनॉमिकल हैं फ्रेंड, वो यूरो यूएसडी के बारे में ब्लॉग्स मिल जाएंगे आप इनको जाके पढ़े और इससे क्या होता है आपको ना मार्केट समझना ज्यादा आसान हो जाता है ओके तो इसके थोड़ा नीचे आ जाइए तो ये कॉन्फुलेंसिस दिया हुआ है कि देखो ये कॉन्फ्लुएंस को कैसे समझना है वो भी इंपॉर्टेंट है अगर मुझे, मुझे मौका मिला तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी समझाऊंगा यहाँ पे राइट साइड में ना आपको यूरो दिख रही है और ये जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे लाइट और डार्क गोल्डन कलर्स इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन से प्राइस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ट्रेड की जा रही है जैसे ये सबसे यानी कि वन पॉइंट जीरो प्लेस की है तो, तो यहाँ से जब ना आप देख सकते हो पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वन आवर यहाँ पे आप देख सकते हैं डीप में समझेंगे अब मैं आपको एक चीज और बता दूं तो फ्रेंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी जगह पे ये नॉलेज नहीं दी जाती क्या है नॉलेज यहां पे लिखा है को रिलेशन चार्ट रिलेशन का मतलब होता है यूरो यूएसडी का बाकी करेंसी पेयर के साथ कैसे रिलेशन है इकोनॉमिकल रिलेशन की बात होती है फ्रेंड यहां पे तो देखिए यहां पे जब आप को रिलेशन के कॉल पे जाओगे और फिफ्टीन मिनट वन आवर अलग अलग टाइम फ्रेम है तो एनजेडी यूएसडी यूरो यूएसडी का

यानी कि इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है फ्रेंड इसके बाद एयूटी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए ये भी पॉजिटिव है तो ये राइट right साइड के जितने भी जीरो लाइन से राइट right में है इनके सबके पॉजिटिव रिलेशन है और लेफ्ट साइड के जितने भी हैं इनके नेगेटिव कोरिलेशन है फ्रेंड अब से हमें क्या पता चलता है देखिए इससे ना मैं आपको एक और आप पूरे सेशन पे एंजॉय करोगे ये क्या है समझना मान लेते हैं कि आप यूरो यूएसडी पे ट्रेड करने जा रहे हैं आपने टेक्निकल भी देख लिया फंडामेंटल भी देख लिया और आपको लग रहा है कि यूरो यूएसडी सेलिंग में जाएगा तो अब आपको यह पता चल गया कि ये सेलिंग में जाएगा तो आप क्या कर सकते हो एक एनालिसिस से चार या पांच ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो तो यूरो यूएसडी के पॉजिटिव रिलेशन वाले कौन कौन है एनजेडी एस डी एंड जीबीपी यूएसडी तो यानी कि यूरो यूएसडी अगर सेलिंग में जाएंगे तो ये चारों पांचों पेयर सेलिंग में जाएंगे फ्रेंड आप चार्ट उठा के देख लेना इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है और दूसरा इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन वाले भी करेंसी है तो यूरो यूएसडी अगर सेलिंग में जाएगी तो नेगेटिव रिलेशन वाले करेंसी सारे बाय में जाएंगे फ्रेंड बुलिश जाएंगे इससे क्या होगा एग्जाम्पल देता हूं मान लीजिए आपने एक एनालिसिस की एनालिसिस की एनजेडी यूएसडी की एक एनालिसिस में आपको मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है आपको बाय लेने का मन कर रहा है, और यूएसडी में आपको सेलिंग दिखाई दे रही है सेल लेने का मन कर रहा है तो हो सकता है फ्रेंड जब मैं भी नया था मेरे साथ भी ये गलतियां हो रही थी लेकिन आप अगर ये कोरिलेशन को समझ जाओ तो एनजेडी यूएसडी के बीच में तो पॉजिटिव रिलेशन है तो अगर एक सेल में जाएगा दूसरी भी सेल में जाएगी एक बाय में जाएगा दूसरी भी बाय में जाएगी और ऐसे में अगर आप पॉजिटिव रिलेशन वाले दो करेंसी पेयर को एक में बाय और एक में सेल कर रहे हो आपको पता ही नहीं तो फिर एक में आपका स्टॉप लॉस हिट डेफिनेटली करेगा क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो ये को रिलेशन पे मैं आपको और भी आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा फ्रेंड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसे आपको समझना है अब आ जाते हैं नीचे की तरफ ये जो मैंने फोरकास्ट आपको बताया ना अभी आ, पोल वाले कॉलम में वो फोरकास्ट में आप यहाँ पे जाके इसे बेटर वे में और भी अंडरस्टैंड कर सकते हो वन मिनट वन वीक वन मंथ एंड वन क्वार्टर और आप, आपने देखा फ्रेंड वहां पर

और जिस करेंसी या कमोडिटी में आप न्यूज देखना चाहते हो उससे आप क्लिक कर दो जैसे मैं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पर क्लिक कर रहा हूं तो डॉलर इंडेक्स यानी थर्टी मिनट्स पहले ये न्यूज डाली है यूएस डॉलर गेन क्लियर आउट ऑफ पोस्ट पीसीई डाटा आज शाम को छह बजे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में पीसीई डाटा की बड़ी

एफ एक्स में जो फर्स्ट वाला कॉलम है रेट्स एंड चार्ट इसके अंदर फोरकास्ट पोल और इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay. इसके अलावा फ्रेंड देखो यहाँ पे क्रिप्टो का भी कॉलम है और क्रिप्टो के भी यहां पे बहुत सारे आपको क्वाइंस मिल जाएंगे जिनमें आप जाके ट्रेड ले सकते हैं अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझना जो कि को वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट बनाती है और वो क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहां पे एक इकोनॉमिक कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है मैंने ये इकोनॉमिक कैलेंडर को यहां पे क्लिक कर दिया इकोनॉमिक कैलेंडर होता क्या है फ्रेंड ये होता है पूरे वर्ल्ड की खबरें आपको यहां पे मिलेगी ओके पूरे वर्ल्ड के देखो यहां पे ना आपको बहुत सारी करेंसीज uh, के नाम मिल रहे हैं ये मैं आपको बाद में आके समझाऊंगा कल या परसों के सेशन में अभी आपको सिर्फ क्या देखना है कि एक एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक खबर है जो यूरोपियन यूरो Euro में है और ये सी आई आए... कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की न्यूज है और ये रेड किया ये न्यूज देखिए मंडे एक जुलाई को आने वाली है तो अगर आपको ये जानना है कि मंडे एक जुलाई को जो यूरो की सीपीआई का न्यूज है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा यूरो के लिए अगर आपको एडवांस में समझना है इसे देखिए इसके ऊपर हम लास्ट में और भी डीप स्टडी करेंगे लेकिन अभी मैं आपको एफ एक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूं तो मैं यहाँ पे गूगल पे गया फ्रेंड गूगल पे मैंने टाइप किया यूरो क्योंकि यूरो की न्यूज देखनी है मुझे तो मैंने यहाँ पे टाइप किया यूरो और न्यूज थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई ये मैंने यहाँ पे टाइप किया यूरो सीपीआई और फिर इसमें मैंने टाइप कर दिया फोरकास्ट फोरकास्ट यानी कि इसमें क्या हो सकता है और जब मैंने इसे क्लिक किया फ्रेंड तो यहां देखिए गूगल ना मुझे कुछ वेबसाइट पर लेकर आ गया वेबसाइट है एफ एक्सट्रीट जिसके बारे में जैसे ही यह न्यूज पे क्लिक किया तो मैं वापस से एंटर कर जाऊंगा एफ के पेज पे देखिए मैं अभी क्या बता रहा हूं यह पहले समझिए मैं बता रहा हूं मंडे 1 जुलाई को यूरोपियन यूरो में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो बड़ी खबर आने वाली है उसके बारे में मंडे क्या होने वाला है यह मैं आज फ्राइडे को समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मंडे जब शाम मंडे जब ये खबर आएगी फ्रेंड तो मुझे वहां पे ट्रेड करनी है और ट्रेड मुझे ये करनी है कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा तो देखिए यहां पे ना सबसे पहले लिखा है इसके बारे में कि ये न्यूज किस कंसल्ट से आती है ये कौन से डिपार्टमेंट से आती है वगैरह वगैरह यहाँ पे सारी चीजें लिखी है फिर आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट न्यूज कब है वेन डज द यूरो जोन हार्बोनाइट इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कंज्यूम टेक प्लेस तो यहाँ पे लिखा है जुलाई टू तो देखिए तो वो इंड वो इकोनॉमिकल कैलेंडर आपको बता रहा है जुलाई वन यहाँ पे लिखा है जुलाई टू ये है नाइन सुबह नौ बजे ग्रीन विच मिन टाइम वर्ल्ड टाइम के हिसाब से अब आपको एक चीज और बता दो फ्रेंड इसे ध्यान से समझना वॉट इज द फोरकास्ट फॉर यूरोन हार्गोनाइज इंटेक्स ऑफ कंज्यूमर तो फोरकास्ट के बारे में यहां पर लिखा है और नीचे क्या लिखा है द कंसेस फॉर द नेक्स्ट यूरोजोना इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज टू पॉइंट फाइव एंड द लास्ट डेविएशन वॉज नॉन एग्जिस्टेंस यानी कि अभी टारगेट लिया है कि ये 2.5 के आसपास आना चाहिए लेकिन अभी जो ये जो लिखा है ना ला, लास्ट डेविएशन इज नॉन एग्जिस्टेंट तो अभी क्योंकि ये न्यूज में टाइम है फ्रेंड तीन चार दिनों का इसीलिए अभी यहाँ पे कोई डाटा नहीं आया है लेकिन न्यूज आने से पांच दस घंटे पहले यहां पे एक डाटा आ जाता है जिससे पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि न्यूज में क्या होने वाला है उस करेंसी के बारे में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड मैं आपको फिर आगे के सेशन में इसके अंदर जरूर ले जाऊंगा तो एफ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये न्यूज से पहले आपको बताती है कि न्यूज में क्या होने वाला है उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे और आप यहां पे बहुत सारी लर्निंग कर रहे होंगे अब मैं आपको ले चलता हूं एक और बेहतरीन वेबसाइट है जिसका नाम है फास्ट बुल डॉट ओके तो जैसे आप फास्ट को क्लिक करोगे फ्रेंड तो एक ऐसी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी फास्ट इसके अंदर एक स्पेशल सेगमेंट है फ्रेंड और स्पेशल सेगमेंट क्या है वो देखना यहां पर भी देखो न्यूज है एनालिसिस है इकोनॉमिक कैलेंडर है बहुत कुछ है बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे जो लेकर आया वो लेकर आया ए सिग्नल्स के लिए आप में से बहुत सारे लोगों को सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है आपको लगता है कि मुझे कहाँ से एंट्री करनी है कहाँ टारगेट होगा तो यहां पे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ए सिग्नल्स जब आप इसे क्लिक करोगे तो ये आपको एक पेज पर पे लेकर आ जाएगा ये वाला

आई का रेडीमेड सिग्नल का कॉलम है इसके नीचे आ जाइए फ्रेंड दो घंटे पहले बताया था यूएसडी को बाय करने के लिए सात घंटे पहले एक ट्रेड दी गई थी फ्रेंड जो कि सिल्वर की भाई की ट्रेड दी गई थी यू कैन सी इट हेयर यहां पे सिल्वर की बाय कही गई थी और इसमें अभी माइनस टू पॉइंट नाइन पिप्स का रहा है। इसके थी जिसमें तो ये जो है ना फ्रेंड ए आई सिग्नल्स है मैं आपको ये मैसेज नहीं दे रहा कि आपको ये कॉपी पेस्ट करना है लेकिन मैं आपको जरूर बता रहा हूं कि अगर आप नए हैं और अभी आपका एनालिसिस के साथ साथ ए सिग्नल को भी देखे और जैसे अभी इसने डब्लू में बाय कहा है फोर्टी मिनट्स पहले अगर आपने ये लाइव देख लिया तो आपको क्या करना है आर्ट एनालिसिस करना है कि ये जो एनालिसिस एआई बता रहा है वाकई उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा अगर आपकी एनालिसिस और इसकी एनालिसिस से है अब आप यहां पे ना राइट right साइड में देखो सिग्नल स्टैटिस्टिक लिखा हुआ है सिग्नल स्टैटिस्टिक्स में क्या लिखा है कि इन्होंने टोटल पिप्स का प्रॉफिट दिया ये येस्टरडे है फ्रेंड इनका लास्ट वीक का परफॉर्मेंस है वन थाउजेंड सेवन पिप्स का प्रॉफिट दिया है लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस है फ्रेंड इनका फाइव हंड्रेड नाइनटी का प्रॉफिट है पूरे लास्ट मंथ का ठीक है आप इसी तरीके से फ्रेंड ये ए का सिग्नल का कॉलम है आप इसके अंदर और जाए और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जिससे आप यहां से स्टडी कर सकते हैं इसके अलावा फ्रेंड फास्ट बुल डॉट कॉम में एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और वो सेगमेंट है सेवन इंटू ट्वेंटी फोर का है 7 into 24 ये है फ्रेंड लेवल्स ये 365 बहुत सारी न्यूज़ आती है फ्रेंड बहुत सारी न्यूज़ आती है लेकिन आपको सारी न्यूज़ नहीं पढ़नी यहाँ पे लेटेस्ट बहुत सारी खबरें मिल जाएगी बट हमें सारी खबरें नहीं पढ़नी फ्रेंड यहाँ पे लिखा है टॉप न्यूज़ ओनली देखो जब आप टॉप न्यूज़ पे क्लिक करोगे तो सिर्फ हॉटेस्ट न्यूज़ जितनी भी है वो आपके सामने आ जाएगी जिससे आपको फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेड करने में हेल्प मिलेगी जैसे देखिए यहां पर हिसाब सेवरसीज आपको पता है आज गोल्ड बुलिश क्यों जा रहा है सिल्वर बुलिश क्यों जा रहा है यूएस मिलिट्री ने वहां पर गाजा पट्टी बॉर्डर में अभी फिर युद्ध की संभावना बनती हुई नजर आ रही है ये लेटेस्ट न्यूज है इसकी वजह से क्या हो रहा है यूएस अगर वॉर में इन्वॉल्व होगा तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं वैसे आप नीचे तो आपको ना जो ट्रेडिंग से रिलेटेड बड़ी खबरें हैं वो आपको टॉप न्यूज ओनली वाले कॉलम में मिल जाएगी यहां पर देखो एसपी फाइव हंड्रेड एंड ने लास्ट ऑप तो ये चीजें ना यहां से आप पढ़िए ये आपको ना जैसे देखिए फ्रेंड आपको अगर लाइफ में अपडेटेड रहना है तो आपको जनरल नॉलेज लेना पड़ता है चीजों के साथ अपडेटेड होने पड़ते हैं वैसे ही ट्रेडिंग में भी अपडेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है तो मैं आपको डॉट कॉम के ये दो कॉलम कॉलम एनालिसिस हर जगह मिल जाएगा आपको इकोनॉमिक कैलेंडर हर जगह मिल जाएगा कोर्ट्स के कॉलम में अगर आप जाओगे फ्रेंड तो यहाँ पे देखिए फॉरेक्स कमोडिटी स्टॉक क्रिप्टो सब कुछ मिल जाता है तो हम अगर कोर्ट्स में क्लिक करते हैं और फॉरेक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोर्ट्स मीन्स एग्जैक्टली क्या ये देखिए यहाँ पे आ गया फ्रेंड वो जो परसेंटेज percentage... चेंज आपको कॉलम इन्वेस्टिंग डॉट की जैसे एयूडी USD को देखो प्लस फिफ्टी थ्री परसेंट पे है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा इस वक्त मार्केट ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके अपने पेयर को यहाँ पे देखो एंटर का बटन है यहाँ पे आप अपने पेयर को एड कीजिए और ये भी एक प्रकार की माई वॉच लिस्ट का ही कॉलम है जो आप इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे बना रहे हो वो कॉलम आप यहाँ पर भी बना सकते हो अगर आप क्रिप्टोस के ट्रेडर हो फ्रेंड तो यहाँ पे आप क्रिप्टो पे क्लिक कीजिए और जैसे मैंने यहाँ पे यूएसडी लिया तो यूएसडी टी यहाँ पे आ गई यहां से जाकर आप अपने बाकी सारे पेयर्स को इसके अंदर एड कर सकते हो ठीक है तो ये भी परसेंटेज चेंज का इंपॉर्टेंट कॉलम है जिसे आप ऑब्जर्वेशन के अंदर ले सकते हैं तो हमने आज देखा फ्रेंड बेबी पिप्स डॉट कॉम इन्वेस्टिंग डॉट कॉम डॉट कॉम और फास्ट बुल डॉट कॉम चार वेबसाइट देखी है दो वेबसाइट हम अभी और देखेंगे जिसमें है एक माई एफ एक्स बुक डॉट कॉम और एक है लेकिन इन वेबसाइट को देखने से पहले, आपको समझना होगा फंडामेंटल एनालिसिस को तो ये दो वेबसाइट हमारे लिए अभी स्टैंड बाय रहेगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड और जब तक आप फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं समझ पा रहे हो तब तक ये वेबसाइट पे मैं आपको नहीं ले जाऊंगा तो मैं कल के सेशन में आपको ले जाऊंगा और आपको सिखाऊंगा फ्रेंड कि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस जो है फ्रेंड ये ट्वेंटी परसेंट काम करती है मार्केट में एटी परसेंट फंडामेंटल होता है और एक चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना जब मार्केट में फंडामेंटल एक्टिव होता है फ्रेंड तो टेक्निकल एनालिसिस कितनी भी अच्छी कर लो वो फेल हो जाती है क्योंकि फंडामेंटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्निकल फंडामेंटल मार्केट के डायरेक्शन को तय करता है और टेक्निकल एनालिसिस उस डायरेक्शन में एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है व्हेन यू आर ट्रेडिंग फॉरेक्स और क्रिप्टो यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस फंडामेंटल चेंजेस और मैं आपको अगले तीन या चार दिन का जो भी समय लगेगा फ्रेंड नेक्स्ट हमारे जो तीन सेशन होने वाले हैं आई थिंक अगला हफ्ता जाए इसमें मैं आपको फंडामेंटल पे इतना कि हर न्यूज पे आप ट्रेड करोगे हर न्यूज पे और 80 से ज्यादा हर न्यूज पे आप प्रॉफिट और फंडामेंटल को अच्छे से समझना होगा ओके तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं फ्रेंड अगर आपने से किसी के कोई सवाल है तो आप मुझसे हैंड्रेस करके पूछ सकते हैं और अगर कोई सवाल नहीं होंगे फ्रेंड तो आप मुझे यहाँ पे क्लीन क्लियर लिख के भी बता सकते हैं अभिषेक केशरी जी आपने रेस किया है मैंने आपको अनम्यूट किया आप अपना सवाल पूछ सकते हैं